सावधान नहीं होगा तो आने वाली जो संतति है, विश्व जो है इस मुकाम पर पहुंच गया है. और एवरीबॉडी एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस विल रिमेंबर दैट व्हाट यूनेस्को हैज सेड इन इट्स क्लेम, एवरी वार इज फॉट एट द फर्स्ट प्लेस इज द माइंड एंड वी आर कंसर्न्ड विद दैट माइंड. टू मोल्ड वी हैव टू मोटिवेट, वी हैव टू इनकरेज, वी हैव टू इनकल्केट गुड हैबिट्स, best habits, at the same time the knowledge of a particular subject. And being a student of political science, we know that what is our subject. Our subject is also only, we teachers are not fortunate. But as a teacher and a student of political science, we are most fortunate than any other subject of the world. When I say not because we belong to the political science, this is a fact. हम अपने संबंधी से बात कर रहे थे डॉक्टर इंजीनियर्स. हमने कहा कि आपके बिना हम लोग का काम चल जाएगा लेकिन हमारे बिना आपका काम नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कैसे? कहा कि भाई आप डॉक्टर हैं, कल से हम दवा बंद कर देंगे कि ये दवा नहीं चलेगी. कांट डिस्क्राइब दैट प्लीज. इंजीनियर है, हम कहेंगे ये प्रोजेक्ट आपका नहीं पास करेंगे, आप प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते. बात तो सही. क्यों? क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स ऑफ ए स्टेट एंड ए स्टेट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच इज नॉट ओनली डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट but it is the supreme institution, the only institution which has sovereignty, supreme power. No other parallel power is there in the state, within the state. We are supreme so far our institution state is concerned. Antrik mamle mein sarvoch supremacy, internal power. Aur बाहे मामले में स्वतंत्र है. वी आर फ्री टू डील विथ एनी पावर द वे वी वांट टू डील विथ देम. देयरफॉर नॉट एज अ टीचर वी आर फॉर्चुनेट, बट एज अ टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव अ सब्जेक्ट विच इज अनपैरेलल्ड. दैट सब्जेक्ट इज अ डोमिनेटिंग सब्जेक्ट. एवरीथिंग इज बीइंग डोमिनेटेड, कंट्रोल, रेगुलेटेड बाय द स्टेट. देयरफॉर वन थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड that we are very fortunate. This may be word of encouragement for the student of political science, the teachers for the political science. But this is a fact. Nobody could deny it. So responsibility bhi hamari hai. Humko bahut savadhani se baat karni hai. Subject padhate samay humko pravakaron se dur rakhna padega. Prejudices aate hain. Jis samaj mein hum pale hain, jis parivar mein hum pale hain, jis rajnitik chhaya mein hum pale hain, उसका असर होगा. बट वेन वी बिकेम ए टीचर वी शुड टेक फैक्ट्स फॉर द एनालिसिस. तथ्य क्या कहते हैं उससे हमारा संबंध होता है. लेकिन सो फार एज इफेक्टिव टीचिंग इज कंसर्न्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे गुरुदेव ने हमको कहा कि जब तुम टीचर हो, एक घटना आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहेंगे. जब मैं वैसे तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ज्यादा समय बीता, लेकिन कॉलेज में कुछ पढ़ाने का 6-7 महीने मौका मिला.
साथ है, उसने कहा कि आलम मिल सकते साथ हम ठीक है, तुम्हारा एक एड्रेस उसमें बन जाएगा, तुम मेरे ट्यूटोरियल में चले जाओ। ट्यूटोरियल में आया, भद्रता के साथ बैठा, तो उससे मैंने पूछना शुरू किया कि क्या नहीं समझे, राज्य के तत्व हम तुमको पढ़ा रहे थे, भूमि पढ़ा रहे थे, नहीं समझे, क्या नहीं समझे, हम कह जो बैठे हुए हो क्या है, धरती है, भूमि है, हम इसके ऊपर क्या है, छत है, हमने कहा इस क्लास जो है वो स्टेट में जो तुम देख रहे हो ये भूमि हो गई हमारी। बोला समझ गए, कहा बात सर समझ गए, हमें जितना जो इसका रकबा है, इसका जो क्षेत्रफल है, ये भूमि हो, इस क्लास की भूमि क्या है। हमने कहा कि दूसरा चीज तुम नहीं समझे, नहीं जनसंख्या, कहा नहीं समझे सर। तो दरभंगा में मैथिली बोली जाती है, वहां वहां जो है सो कि जन बोला जाता है आदमी को, ये सबको मालूम है, जलखई बेचना है माने जो खेत में काम करता है उसको जन बोलते हैं। तब कहीं इसका नाम सुने तो हाँ सुने हैं हम, जन माने होता है आदमी, संख्या माने होता है, संख्या मतलब होता है इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ट्यूटोरियल में संभवतः 10 या 11 स्टूडेंट्स थे, जोड़ के बताओ तो कहा 11 स्टूडेंट्स। अब क्लास की जनसंख्या कितनी होगी, बोला 11 संख्या होगी, बस इतना ही है, जैसे इस क्लास रूम का एक क्षेत्र है इसमें 11 आदमी है, जिसकी जनसंख्या 11 हो गई। और भारत का जो मैप देखते हो, बिहार का जो मैप देखते हो, उसमें जितने लोग हैं उसकी जनसंख्या हो, ये समझे। तो कहा सर समझ गए, तो बड़ा तेज लड़का है तुमने, कहा समझे नहीं अब तक, कहा नहीं सर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए हम। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, सरकार में थोड़ी तुमको दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ सर, समझा तो सब था लेकिन बदमाश भारी था, चौका के नाम नहीं समझे सर। हम कहते घर में कितने लोग हैं, तो बोला कि हम हैं, माँ है, हमारी बहन है और एक दादी है। हम बोले कि ठीक है, तो सब काम तुम करते हो, तो नहीं नहीं हमें तुम क्या करते हो, तो बोला कि हम सब्जी उब्जी बाहर का सब काम सामान उमान ले आते हैं। ठीक है वेरी गुड, और माँ क्या करती है, तो खाना बनाती है, परंतु मदद करती है। पिताजी क्या करते हैं, तो पिताजी बिजनेसमैन है, दुकान पर जाते हैं, क्या बात है, पैसा ला। हम कहे कहीं लिखा हुआ है, नहीं सबका काम का बंटवारा है, कौन लिखा, तो इतना सर आपस की समझ है उनका, छोटा सा परिवार है, फिर भी समझ है ना कि किसको क्या करना है, पैसा कहाँ से आएगा, कौन काम कौन करेगा नहीं करेगा, तो ये तो बनता होगा ना, खाना बनता होगा तय होता होगा तब। हाँ हम कहे कि ये सब कौन तय करता है, बोला कि जो है सब लोग अपना काम समझते हैं, करते हैं, हमें यही सरकार, यही सरकार है, सब अपना अपना काम कर रहा है, सब मंत्री है, सब किसी के मंत्री है, वो सब काम करते हैं, वो सरकार है। एक नीति बन गई, परिवार में है तो लिखा पढ़ी नहीं हुआ, लेकिन स्टेट बड़ा है तो उसके लिए तो लिखा पढ़ी करना पड़ेगा, तो लिखा पढ़ी हो गया, कानून बन गया, उसी को कानून कहते हैं, चलाने वाला बन गया, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं उसको सरकार कहते हैं, कहते हैं ना ये माता तो क्या कहते हो सरकार है, रिप्रेजेंट्स दी गवर्नमेंट, उसका नुमाइंदा है, पुलिस आदमी क्या कहते हो सरकार है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट दी पॉलिसी रिलेटेड टू दी सिक्योरिटी और दी डेवलपमेंट वर्क। कहा समझे तो हाँ सर समझ, हमें अच्छा संप्रभुता में थोड़ी कठिनाई तुमको, बोला हाँ सर तो हुई तब समझ गया सर, तू नहीं समझ सर, हमें समझ जाओ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हाथ में घड़ी चाइना, उस समय चाइना की घड़ी काफी पॉपुलर थी, दरभंगा वगैरह में आती थी, तो सीखो घड़ी पहने, घड़ी तो तुम्हारी बड़ी अच्छी है, कहाँ से लिए, तो नेपाल से मंगवा ली, तो पैसा कौन दिया, तो पैसा माँ ने दिया, मैं तो पिताजी ने नहीं दिया, तो नहीं पिताजी से नहीं बात करते हैं घर से, माँ से माँ, हम कह लेकिन दिया किस, पिताजी के कंसेंट होगा तभी ना, हाँ कंसेंट, हम कहा अच्छा ठीक है, घर में क्या बनता है कैसे तय होता है, तो उसने कहा कि सब लोग विचार करते हैं लेकिन अंत में पिताजी कहते हैं कि ऐसा होगा। हम कह तुम्हारा अगल बगल में संबंध है कि नहीं है, पड़ोसी वगैरह में तो संबंध है, तुम जिसके साथ संबंध रखना चाहते हो सबके साथ संबंध है तुम्हारा, तो नहीं एक परिवार के साथ हम रखना चाहते हैं उसके साथ संबंध, क्यों, तो वो लोग ठीक नहीं है पिताजी का कहना, हम लेकिन रखना चाहते हैं। न्योता कहानी बोलते हैं ना, जिसके यहाँ से आना जाना होता है, कोई उत्सव होता है तो उसको लेन देन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गिफ्ट से, आजकल तो बर्थडे मैरिज डे वगैरह सब होता है, जाते हो तो जाते तो नहीं है, पिताजी मना किए हो इसलिए हम लोग नहीं जाते, हमें तुम संबंध रखना चाहते। हम कहें इसका मतलब है कि घर के मामले में भी अंतिम निर्णय पिताजी ही करते हैं, तुमको लेना भी है तो तय होगा, पिताजी फाइनल करेंगे तभी, कहां से तो वही करेंगे ना,
निष्ठा थी, खुद पढ़ी, पढ़ने के बाद हम उसको समझिए, कार्य पूजा लेकर के और ले जाकर के वहां किताब कॉपी खोल करके आप लिखा रहे हैं, तो किताब में लिखा ही हुआ है, क्रिटिकल साइंस के टीचर है तो सवाई में तो लिखा है, इंस्टीट्यूट में तो लिखा है, जॉन क्लेमेंटिस तो लिखा है, डब्ल्यू टी जॉन्स में तो लिखा है, आप क्या प्लेट में पढ़ाई बाकर में लिखा। आप ये नहीं समझ सकते हैं कि साहब प्लेटो में ये दर्शन दिया ही क्यों, उसके सामने समस्या क्या थी, आप नहीं सब पढ़ा सकते।
समझाने की जरूरत है, जिसको हम लोग कहते हैं जैसा पहले ट्यूटोरियल होता था, कोचिंग होता है, उसको आप बताइए। और उसके बाद टीचर्स को जो कहते हैं सम्मान नहीं, जीवन में सम्मान कभी कम नहीं हो सकता है। अगर आप सक्सेसफुल टीचर हैं, अगर आप अच्छे टीचर हैं, आप इस विधा का प्रयोग करते हैं, तो आपको जीवन में कठिनाई नहीं होगी। आप देखिए, सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, स्टेट के बारे में ही नहीं समझते, वो डिफिनेशन खाली पढ़ते रहते हैं। स्टेट पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, पॉलिटिकल साइंस इज आल्सो अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, आल्सो इंटरनेशनल, ये सब डिफिनेशंस पढ़िए। पढ़ने के बाद अंत में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई एक्चुअली है क्या इस पॉलिटिकल साइंस का, तो आप बता के लेंगे ये है वो भी है वो भी है। जैसे मेरा एक जगह इंटरव्यू था, तो हमसे पूछ लेगा कि भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ, आप क्या समझते। मैंने कर दिया कि लॉ इज द कमांडर ऑफ सॉवरेन, तो पूछा व्हाट अबाउट द कस्टमर लॉ, व्हाट अबाउट द डिवाइन लॉ, क्वेश्चन निकलते गए। जो इंटरव्यू जो अमूमन 5-10 मिनट में सबका खत्म हुआ, मेरा 40 मिनट तक चलता रहा। क्यों चलता रहा? क्योंकि समझ होनी चाहिए आप क्या समझे, और जो समझे हैं उसमें क्वेश्चन कौन से निकल सकते हैं। मालूम था कि क्वेश्चन निकले, कस्टमर लॉ आर ऑल्सो इन एग्जिस्ट टिल दोज कस्टमर इज लॉस्ट, divine law at last till the sovereign accepts that, the moment he or she refuses to accept that, that those are not laws, कानून नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे कभी कानून में परिवर्तन चले आ रहे थे, वो भी कानून के रूप में चल रहा था। अच्छी कोई हम कोई हमने पहले कहा कि सब्जेक्टिव नहीं होते, ऑब्जेक्टिव होकर के बताते हैं। बहुत सारे परिवर्तन जब तक थे वो थे, चल रहे थे, चल रहे थे, समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा था, कर रहा था, खाद से लेकर के तमाम आप देखते हैं वो तमाम चीजें चल रही। लेकिन स्टेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो कानून नहीं हो सकता है। लॉ इज ऑलवेज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, मेरे परिचय में बताया गया संभवतः फैकल्टी फैकल्टी ऑफ लॉ भी था, इसलिए चूंकि मैं लॉ किए हुए था और जरूरत पड़ गई वाले चार साहब को तो सोशल साइंस के टीम के साथ लॉ का भी हमको था। और पॉलिटिकल साइंस का हर स्टूडेंट और टीचर लॉ का स्टूडेंट है, क्योंकि वी आर कंसर्न्ड विद द सॉवरेन पावर, एंड सॉवरेन पावर इज सपोज टू डू एवरीथिंग विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट। तो कानून के फ्रेम पर उसको काम करना, अंतरराष्ट्रीय कानून के मातहत उसको काम करना, और जो कानून बने हुए संविधान के मातहत उसको काम करना। तो एक्चुअली है क्या कानून को तो समझना पड़ेगा। हर आदमी बैठ जाते हैं कानून को लेकर के कि साहब हम जो कह रहे हैं वही सही। अंबेडकर साहब ने कहा नहीं, नहीं है, आप गार्जियन नहीं, संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बना दिया सुप्रीम कोर्ट। अराजकता नहीं होती, आर्टिकल ऑफ एनार्की नहीं हो सकती, उसको देखने वाला है, वो कानून है, उसके मातहत चल रहा है, उसको एक्सप्लेन करने वाले लोग हैं, उसको रिव्यू भी कर सकते। तो हम स्टूडेंट लॉ के ही, क्योंकि हम स्टूडेंट स्टेट के दुनिया की सबसे अजीब संस्था है। और इस बात का भी गौरव पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स को होना चाहिए जो हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ये सब चीजें पाश्चात्य से आई, पाश्चात्य का कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन मित्रों आपको एक बात बता दें, हम जब कभी भी बात करते हैं तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में हम लोग बहुत भाग्यशाली, हमारे पुरखों ने स्टेट के बारे में जो बात की वो हमारे जो अप्रोच रहे, हमारा जो दर्शन रहा वो होलिस्टिक दर्शन रहा, समग्रता में हमने हमेशा बात किसी भी संस्था के बारे एकांकी नहीं रहा, पार्शियल नहीं रहा। इसलिए हमारे पुरखों ने हिसाब को 4वीं सदी के भी पहले कह दिया, हम लोग पढ़ाते हैं, हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ाते हुए जब आया कि साहब टीचर्स पॉलिटिकल फिलोसफी का फीचर्स क्या है तो पढ़ाते हैं कि साहब राज आवश्यक तत्व। मैं कहता हूं मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैंने कहा कि नहीं, स्टेट आवश्यक है, आवश्यक होगी उसको तो हम छोड़ नहीं सकते, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आज जैसे बहुत सारी चीजें हमारे पास थी वो नहीं, उसकी आवश्यकता
आपका स्वास्थ्य नहीं है, उसका उद्देश्य पैसा। पवित्र भाव का यह मतलब हुआ कि जिसके लिए जो काम कर रहे हैं उसको फलीभूत हो, उसके इंटरेस्ट में हो, उसके फायदे में हो, उसी के लिए हो, ये पवित्र भाव। तो राजधर्म को सबसे ऊपर क्यों रखा गया? सारे लोगों का धर्म है, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, टीचर का धर्म, कर्मचारी का धर्म, राज्य में जितने लोग हैं सब अपने अपने धर्म का पालन कर।
समझा पाए, टीचर्स को अपने कलीग को नहीं समझा पाए, ये चीजें कहां से कैसे अवतरित। तो चीजों को समझने के लिए मैंने कहा कि हम जिसके विद्यार्थी हैं स्टेट के, तो हमारे ऊपर दायित्व पड़ा है, हमको सोशियोलॉजी भी पढ़ना पड़ रहा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ रहा है, साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, क्वेश्चनार बनाएंगे तो मनोविज्ञान भी समझना पड़ता है। तो कहेगा सब भानुमति का विचारा है क्या सर? नहीं, वी हैव ए डिफरेंट बाउंड्री, उस बाउंड्री के भीतर में हम, और बाउंड्री क्या है? ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू फॉर ए सोसाइटी, आधिकारिक निर्णय एक समाज के लिए जो करते हैं वही हमारी बाउंड्री, वही सॉवरेन बाउंड्री। आधिकारिक निर्णय करते हैं कितने साल में बेटी की शादी होगी, बेटी की शादी कितने साल में होगी, तिलक देहा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ट्रिपल तलाक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब तो कहते हैं परिवार का मामला है, बेटी हमारी है देखिए, लेकिन नहीं स्टेट ने कहा दिया नहीं करिएगा तो नहीं कर सकते। ये ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू फॉर ए सोसाइटी, दिस वैल्यू हैज बीन सपोर्ट ऑफ दी ऑथोरिटेटिव एलोकेशन पावर। अब उसके विद्यार्थी फाइनल डिसीजन करने वाली संस्था, तो उसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा। अब एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, लिबरलिज्म क्यों पढ़ना पड़ता है? अरे भैया जो पॉलिसी बनेगी उसका असर होगा ना स्टेट पर, हम कैसी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, आपने देखा ना समाजवाद पूंजीवाद ये सब क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब हम नीतियां बनाने चलते हैं, जो नीतियां बनती है उसके विश्लेषण के समय हमको इसकी आवश्यकता होगी। पूंजीवाद व्यक्तिवाद से शुरू हुआ था ना, लेसेंस बेयर लेसेंस पास से जैसा करते हो वैसा करते, इसके लिए उन्होंने क्या कहा, कमाल की बात है। गौर कीजिएगा पॉलिटिकल साइंस के हमारे मित्र हैं कि साहब ये कमाल की चीज है। हमारे एक मित्र हैं बड़े विद्वान आदमी है, मतलब साहब के साथ मैं कल परसों बैठा था, दो से चार घंटे दो बैठे ये पाश्चात्य एक मामले में बड़ा सुंदर है, क्योंकि वहां जो पॉलिटिकल पावर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए वहां थ्योरीज गढ़ी जाती है। आपने बिहेवियरल अप्रोच पढ़ा होगा, उसके पीछे कारण क्या था? स्टेटस को ही जब जैसा है वैसा होने दो, क्योंकि साम्राज्य, क्योंकि वहां कम्युनिज्म नहीं है, पूंजीवाद जैसा है बड़ा अच्छा है, रहने दो, टैक्स नहीं देते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे जो सत्ता है उसके विपरीत भी बातें होती है और तमाम चीजें कही जाती, पूरा नहीं अच्छा ही जीवंत है तो उसके पीछे कारण ये भी है। बातें बातें जाते तो मोदक ये रहती हमारी। तो मैंने कहा आपको जैसा कि जो चीजें हैं हमारे उसको भी समझने की जरूरत है, वो मिलता है जब जरूरत पड़ती है। उस समय उन लोगों ने क्या कहा, राज्य हस्तक्षेप नहीं करें, जितना कमाना है जहां से लाना है लूट के लाना है, उन्होंने कहा स्टेट क्या है नेसेसरी भी, हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा इंडिस्पेंसिबल। फिर उनको जरूरत पड़ गई कि अपने स्टेट का सपोर्ट लेना है, बाहर जो बिजनेस कर रहे हैं तो ताकतवर स्टेट होगा, अमेरिका ताकतवर रहेगा तब तो उसके बिजनेस मैन को उसके कुली कबाड़ी को भी कोई नहीं छुएगा, सॉफ्ट स्टेट रहेंगे तो हम जहां जाएंगे कामों करने वहां को छूरेगा मारेगा पीटेगा। तो स्टेट का स्ट्रॉन्ग कराना किसके इंटरेस्ट में था? बिजनेस क्लास के इंटरेस्ट में था, जो बाहर जाते थे व्यापार करते थे। तो उन्होंने कहा स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑफ द अर्थ, भगवान हो गए, अब भगवान से क्वेश्चन नहीं कर सकते, और उसको बचाए रखने के लिए आप से मनुष्य तमाम चीजें चाहिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। उन लोगों ने उसका भी तजारत करना उन्होंने शुरू कर दिया और कह दिया कि वाट टू एनेशन मैटर मैटर नीड टू कॉम इंडिया नीड जो थी उनकी अकॉर्डिंगली दे डिजाइन फिलोसफी सपोर्टेड दैट पॉलिटिकल सिस्टम दैट सिस्टम विच वाज रनिंग दैट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री एंड अमेरिका बिकेम टू इस फॉर्म। इसलिए आप देखते हैं कि पेटेंट पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट पेटेंट पेटेंट बना दिया उसको टीम को भी जाना था पेटेंट बना ले, पेटेंट बना लेगा तो बाकी उसका वो अब उसका कमीशन हमको देना। ये सब कुछ दिया उन लोगों ने, क्या था कि स्टेट इतनी कम जब जरूरत पड़ी तो क्या कर दिया स्टेट इतनी मार्च ऑफ हो गया, देखा कि ज्यादा स्टेट इनकम भी भयंकर करने लगा तो कहा कि नहीं भाई फ्री कर राज्य से मुक्त कर, जिसको जितना बेचना है जितना खरीदना है जहां जाना है जहां रहना है वहीं हिसाब से कर। लिबरलिज्म की पूरी ट्रेडिशन लिबरलिज्म की देखिए, कभी कहता है कितना करना है नहीं करना है ज्यादा करना है कम करना है, ये चल रहा है लिबरलिज्म की थ्योरी।
को समझे, उस विषय को समझे, उसके तासीर को समझे, उसके संस्कार को समझे, उसके इनहेरेंट मीनिंग को समझे, वो समझता है। उसके बाद क्या करता है, तो उस मिट्टी को लाता है, सीधे चाक पर नहीं चढ़ाता है, मैं खुद बैठ के सोच रहा हूँ, मिट्टी को लाता है तो उसके बाद उसको कूटता है, उसके बाद छानता है, उसको चालता है, उसमें जितने कंकड़ होते हैं वो निकालता है, उसके बाद उसको पूछता है, पूछने में तो उसको कंकड़ करता है। तो एक आचार्य को कंकड़ करना चाहिए, बच्चा जो है सो कंकड़ ही है, उसमें सब गुणी होता तो गुरु आपका हो, उसमें कमियां हैं, उन कमियों से निजात आचार्य अपने हाथ में उसको गड़ा करके, उसको छाप करके, उसको निकाल करके उसके हाथ लहू तो मैं अपने आचार्यों को कहता हूँ, मैं समस्तक होता हूँ, मैं कहता हूँ कि धन्य आप लोग जो मेरे जैसे बिगड़ेल के कंकड़ को आपने बर्दाश्त किया, कितने कंकड़ आपके हाथों में खड़े होंगे इसका मुझे एहसास है। आचार्य को होता है जो इसके लिए तैयार हो, वो माता भी होता है और पिता भी होता है। इफेक्टिव टीचिंग जब होगी, जरूरत पड़े तो विद्यार्थी को भय भी होना चाहिए, गार्जियन पिता की तरह उसको ताड़ने का भी उसको होना चाहिए, गलती पर उसको डांटे फटकारे, और माँ की तरह मम्मा तो डांटे फटकारे भी तो लगे कि शायद उसको कोई नुकसान नहीं, उसको मनोवैज्ञानिक रूप से उसको सपोर्ट भी, माता पिता दोनों होता। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारा स्पिरिट होता है, बच्चे हम लोग हैं, अपने अपने गुरुदेव को कहा किसी प्रसंग कभी कहा था किसी ने कि आप तो अपने स्टूडेंट को बहुत मानते हैं, मेरे संग तब जो उन्होंने कहा कि मैंने उनकी वाइफ ने कहा कि बहुत मानते हैं, बच्चों से भी ज्यादा मानते हैं, कहीगा कि हाँ ज्यादा मानते हैं, क्योंकि बेटा और बेटी कोई भी जो है तो वो माँ बाप दोनों से मिलकर बनता है, कोई एक आदमी क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरा, क्योंकि दोनों मिलकर उसको बनाता है, उसका निर्माण करता है प्रारंभ से। लेकिन छात्र जो होता है उसको आचार्य बनाता है, अकेले बनाता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, महिला टीचर हो कि मेल टीचर, गणता है उसकी कृति है, उस पर गौरव उसको होता है। इसलिए प्राचीन हमारी जो परंपरा थी अपना परिचय देता था कि मैं द्रोणाचार्य का शिष्य, मैं अमुक का शिष्य, क्योंकि विद्यार्थी जो आता है उनकी वही मिट्टी का है, तरह तरह की मिट्टी का है, तो उसको समझना, उसके हिसाब से उसको ढालना, सब चीज की खूबसूरती है। हांडी वाले हांडी का भी इंपॉर्टेंस है, मूर्ति का भी इंपॉर्टेंस है, किस कैलिवर का है उसी पर तो बना दिया गया आसमान तारे जमीन, तो उसको समझना आर्ट का है। शायद हमको मैथ में रुचि नहीं चले आए इधर, अब जबरदस्ती गार्जियन करता है कि नहीं साहब इसको हम साइंस ही पढ़ाएंगे, तो टीचर उसमें क्या करेगा, तो उसको है ही नहीं। जब जैसे जबरदस्ती रिसर्च कराया जाता है, रिसर्च का टेम्परामेंट सबको नहीं, आईक्यू सबको नहीं है, लेकिन कहते हैं कि डिग्री नहीं होगी तो प्रमोशन नहीं होगा, देखिए दुर्गति क्यों हो रही। तो इसीलिए ये बड़ा बायस भी है, बड़ा पवित्र भी है, बड़ा महत्वपूर्ण भी है, बड़ा गौरवपूर्ण भी है, बड़ा आदरणीय भी है, लेकिन उतना ही हमारे ऊपर दायित्व भी है। रोशनी करने के लिए खुद को जलना पड़ता है, जो आचार तीन चार घंटा पढ़ता नहीं है, दो घंटा भी नहीं पढ़ता है, ठीक है महीना में दो चार दिन नहीं पढ़ता, तो उसकी समझ बनेगी कहां से, और ओरिजिनल चीजों को नहीं समझने की कोशिश करता है, वो चीजें आई कहां से। तो राजनेता की तरह मन से भाषण करके उतर जाएगा, बच्चे हंगामा करते रहे उसके क्लास में हंगामा होते रहेगा, टीचिंग कभी भी नहीं हो सकती। और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसको तो वहां तक इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी जो हमारी नीतियों को प्रभावित करती है, उसको तो कास्ट वहां तक समझना पड़ेगा जो हमारी राजनीति को प्रभावित करती है, हमारी नीतियों को प्रभावित करती है। अब कास्ट का ओरिजिन नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा। हमसे एक बार प्रश्न किया था मधुकर उपाध्याय ने कि किस वर्ल्ड सर्विस वाले किसका जिक्र किए हैं, हमारे मित्र ने हमारे प्रोडक्शन भारतनामा बना दिया, ही वाज इंटरेस्टेड टू अंडरमाइन द हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन प्रोजेक्ट टाइम। तो उन्होंने पूछा कि कास्ट के रिलेटिव और बोलो की करके डॉक्टर नारायण देवी व्हाई इट इज सो डोमिनेंट इन बिहार। तो मैंने उनको कहा कि उसके एक कारण है, उसमें से एक बड़ा प्रोमिनेंट कारण है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ कास्ट जो है वो बिहार में सबसे ज्यादा, दूसरा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉ लैंड जो हुआ वो तीसरा कारण, दूसरा कारण जमींदारी, सबको जमींदारी की मानसिकता। इसीलिए हमारे किसी भी कास्ट के नेता आते हैं तो देखिएगा कुर्सी को बैठ
मानसिकता तो ज्योग्राफी को भी समझना पड़ता है, इस हद तक समझना पड़ता है। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को इकोनॉमिक्स को वहां तक समझना पड़ता है, अपने बाउंड्री के भीतर से तमाम चीजों को झांक करके समझने की कोशिश, उसमें डूबना नहीं लेकिन उसको वहां तक समझना है जहां तक हमारी दुनिया प्रभावित होती है या हो सकती है। तो समय घंटे का था, हम पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हैं माननीय कुलपति महोदय, आप तमाम मित्रों का, आपको इंट्रोड्यूस आपने किया चेतन जी किस रूप में भी सरकार में, हम तो तुम्हारी विद्वान हैं, हम तो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं। जो एक घंटे का समय था, समय बता रहा है कि 4 मिनट हम क्रॉस कर गए, 4 मिनट ज्यादा होने के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। रियली आई फील ब्लेस्ड एंड ऑब्लाइज्ड फॉर हैविंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू शेयर बाय यू विथ मोर देन 50 पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट बिफोर मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस, एंड इफ दोस क्वेश्चंस मे बी इन केस ऑफ मे बी दैट डज नॉट मैटर। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। Very informative session sir, thank you for your session. Anyone having any questions please, agar kisi ka koi bhi question hai lecture se sambandhit to kripya karke puch sakte hain। I'm order to open to all of you please। Yes sir, you are audible। Sir kisi aur question hum log please puch rahe hain। मेरा थोड़ा सा ये इसमें है सर, राइट, जैसे आपने कहा हीरे का कारीगर जो होता है अगर सही तरीके से नहीं काटेगा तो केवल पैसों का ही नुकसान होगा हीरा कटने में, अगर एक टीचर सही से अपने स्टूडेंट को नहीं कटेगा तो पूरे समाज का नुकसान होगा, ये दैट वर्ड आज मेरे को बहुत हिट करे सर। आई विल यूज योर वर्ड, मेरा पूरा नोट भी है आपके लेक्चर के तरह आज तो, और ये मेरे खुद की टीचिंग में मेरे को बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं भविष्य में। और जो आपने मेरे को कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में आज यहाँ पे जो बताया कि दोनों मिक्स इकोनॉमी इकोनॉमिक बहुत जरूरी है, और कई बार मेरे मन में भी आता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ उसका न्यूज भी सुन रहा था तो उसमें था कि व्हेन अरविंद केजरीवाल वॉट एवर स्टेट यूएस ने उनके फॉरेन मिनिस्टर ने और उन्होंने इस पर कहा कि हम देख रहे हैं एंड पावर फॉरेन मिनिस्टर फिर उनको बुला के कहा गया कि आप हमारी संप्रभुता का ध्यान देते, जब आपने संप्रभुता के बारे में बताया तो वो भी मेरे को हिट करा अभी, और लाइक इंडोनेशिया के बारे में हमारे जयशंकर जो बोल रहा है जो मंत्री उन्होंने भी कहा था, तो उसमें भी मेरे को ये सारे मैं कनेक्टिंग कर रहा था जो मैं आज तक मुझ पर से पढ़ता रहता हूँ न्यूज पेपर को आगे करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बोलना चाहूंगा चेतन 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 भाई, एक बात और शेयर करना चाहेंगे क्योंकि हमारे बच्चों ने हमको बहुत मार दिया और इतना मार दिया कि जब मेरी गिराई तो हुई नहीं, साल भर पहले मैं रिटायर किया तो सम्मान समारोह कुलपति भी बैठे थे, मेरे बच्चों ने मुझको बिना बताए बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट नहीं बताया और यूनिवर्सिटी के सारे लोग वही बैठे, तो अपने जीवन में एक ही काम किया बच्चे ही, और एक बच्चा हमारा अपने परिवार के साथ आए लेकर, तो वो घटना अगर आप लोगों के पास समय हो तो हम शेयर कर ले। दूसरे के क्लास कटाई जी दूसरे का भी समय होगा तो नहीं गलत होगा उचित होगा ना, नहीं है तो आई फील फॉर्चुनेट, हमसे आप जरूर करना चाहेंगे। देखिए बच्चा हमारा था वो क्या करता था, जब क्लास तक बैठता था अच्छा बच्चा था, ऐसे ऐसे आप देख और कर रहे हैं माथा को ऐसे ऐसे देख रहे हैं, इस पर जोर देता समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं।
पूछी कि हमको ये गौरव तो नहीं मिलता कि हमारा बच्चा बड़े पद पर पदाधिकारी होकर गया। एक मेरा स्टूडेंट से फेसबुक पे लिखा तो मदन मोहन झा है, वो लिखता है मेरे बारे में। एक मेरा अजीत ठाकुर है फेसबुक पर जरूर कुछ ना कुछ लिखता है, और एक अनंत राय है तो अपने भी बहुत बड़े दायित्व तो है। मैंने कहा कि सर मैं कुछ अर्ज करूँ,
होने के बावजूद